जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा आतंकी हमला, 4 जवान शहीद, 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाक ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, 1 जवान शहीद, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी ने मन की बात में उम्मीदों और संकल्पों के साथ देशवासियों को 2018 की दी बधाई, कहा मेरा विश्वास है कि हमारे ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही न्यू इंडिया का सपना सच होगा। पीएम मोदी ने मन की बात में स्वच्छता की बात की, कहा जन भागीदारी से स्वच्छ बनेगा भारत, महात्मा गांधी का सपना होगा साकार। पीएम मोदी ने कहा हमने खत्म की मेहर प्रथा, मुस्लिम महिलाओं को हज पर अकेले जाने का दिया। केरल के बरकला स्थित शिवगिरी मठ में आज मनाया जा रहा है 85वां शिवगिरी तीर्थ यात्रा समारोह, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधन। सुपरस्टार रजनीकांत ने 2017 के अंत में किया बड़ा ऐलान, तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे रजनीकांत, बनाएंगे अलग पार्टी, कहा 234 सीटों पर लड़ूंगा चुनाव, उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो छोड़ दूंगा राजनीति। नितिन पटेल की नाराजगी हुई दूर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटेल को किया फोन, सम्मानित पद देने का किया वादा। पलवल स्थित तो वकील की हत्या के आरोप में एक आरोपी को होटल से किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया, कुछ फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही। पलवल के हसनपुर थाना इलाके में 8 दिन चोर हुई बाइक बेचने जा रही, चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक बरामद की। पलवल पुलिस की माने तो सूचना मिली थी कि आरोपी चोरी की बाइक लेकर बेचने के लिए पलवल जा रहा था और पुलिस गांव के मिटकौला के पास ही बैरिकेड लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। उकलाना के दौलतपुर गांव में ग्रामीणों ने गांव के चौपाल पर जमा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, राशन डिपो पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की। ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार रात राशन डिपो मालिक के खिलाफ पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई तो मंगलवार को प्रशासन को सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपे। नए साल के जश्न के बीच न हो कोई खलल, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, आज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद निकासी बंद रहेगी, पुलिस ने की लोगों से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की। नए साल से पहले अलर्ट पर गोहाना पुलिस और देर रात शहर के होटलों पर की छापेमारी, शराब पीते मिले कुछ युवक, पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। नए साल पर गोहाना पुलिस ने सभी होटलों को दिया निर्देश, नए साल के जश्न में न परोसें शराब, एक होटल से अवैध शराब की 30 बोतलें बरामद। यमुनानगर में नए साल से पहले सुरक्षा का जायजा लिया गया है, एडीजीपी आरसी मिश्रा होटलों और रेस्टोरेंट की सुरक्षा की जांच करवाई है, हुड़दंगियों पर नजर रखने का पुलिस को आदेश दिया। एडीजीपी आरसी मिश्रा ने कहा कि नए साल के मौके पर यमुना नगर समेत सभी शहरों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सीमा पर तैनात जवानों को नए साल पर खटकती है परिवार से दूरी, वीडियो कॉल कर परिजनों को देते हैं बधाई और परिजनों से करेंगे बात। फिर लिपटा सफेद चादर में दिल्ली एनसीआर, आज दिल्ली और एनसीआर में फिर घना कोहरा, मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री दर्ज किया गया है, हवाई सेवा भी इससे प्रभावित है। मई में शनिवार शाम से कोहरा छाया हुआ, रविवार सुबह तक कोहरा छाया रहा और घने कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, सड़कों पर रेन रेन कर चलते हुए नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों और घने कोहरे को देखने को मिलेंगे, साथ ही इसके अलावा वजह से लोगों को सड़कों पर सावधानी से चलने की जरूरत है।